नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज आपको हम लेकर चल रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जिसको जॉय ऑफ सिटी कहा जाता है। दोस्तों, कोलकाता ही नहीं भारत का मशहूर मार्बल पैलेस जिसको संगमरमर महल भी कहा जाता है, इसका निर्माण सन 1835 ईस्वी में एक अमीर बंगाली व्यापारी जिनका नाम था राजा राजेंद्र मुलिक के निवास स्थल के रूप में हुआ था, जो उस समय के काफ़ी अमीर व्यापारी हुआ करते थे। आप ये जान लीजिए कि ये राजा राजेंद्र मुलिक कौन थे। बंगाल के एक व्यापारी थे जिनका नाम था निकोल मोनी मुलिक। उनके कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने राजेंद्र को गोद लिया था और इनका नाम राजा राजेंद्र मुलिक पड़ा, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण कराया था। हालांकि ये मंदिर आज भी है, लेकिन मुलिक परिवार के सदस्यों के लिए ही ये मंदिर उपलब्ध है। अगर हम बात करें इस महल की बनावट की, तो देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बंगाली और यूरोपियन शैली का काफ़ी खूबसूरती से मिश्रण किया गया है। जब आप इस महल में पहुँचेंगे तो पहले महल में चारों तरफ का नज़ारा आपको हैरत में डाल देगा, और जब आप महल परिसर के अंदर प्रवेश करेंगे तो एक अलग ही दुनिया अपनी बाहें पसारे आपका स्वागत करती नज़र आएगी, जो आपको सीधे कोलकाता के शाही और भव्य इतिहास की तरफ ले जाएगी। महल का प्रवेश द्वार आपको एक बड़े से परिसर के विशाल बगीचे में ले जाएगा, जहां संगमरमर की शानदार रचना अपने भव्य आकर्षण के साथ बीच में स्थापित है। संगमरमर महल नाम इसीलिए इस महल का पड़ा कि इसमें संगमरमर का काफ़ी ज़्यादा और बहुत ही सलीके से इस्तेमाल हुआ है। महल के अंदर आपको कई खूबसूरत तस्वीरें नज़र आएंगी, जो दुनिया भर के अलग अलग महान कलाकारों द्वारा बनाई गई है। बड़े बड़े शीशे महल की छतों पर लटके हुए, चमकदार झूमर मूर्तियां, जिसे देखकर बरबस ही पर्यटकों के मुंह से वाह निकल जाता है। महल के बागीचे में कई खूबसूरत मूर्तियां लगी हैं, जिसमें शेर, क्रिस्टोफर कोलंबस, वर्जिन मैरी, जीसस क्राइस्ट खास हैं। महल में एक बड़ा सा पानी का तालाब भी बनवाया गया था, जहां आज भी आपको रंग बिरंगे पक्षियों का दीदार हो जाएगा। महल परिसर में ही एक चिड़ियाघर भी बनवाया गया था, यहां आज भी तमाम पशु पक्षियों का वास है। ऐसा कहा जाता है कि ये भारत का बनने वाला पहला चिड़ियाघर है। यहाँ बंदरों, हिरणों की काफ़ी प्रजातियाँ आपको नज़र आएंगी। ये महल जितना खूबसूरत है, तो यहाँ आना उतना आसान भी नहीं है। महल में घूमने के लिए आपको कोलकाता पर्यटन विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस महल में अधिकतम 4000 लोग ही एक दिन में घूम सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये महल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। ये महल कोलकाता ही नहीं भारत का सबसे अच्छा संरक्षित स्मारकों में से एक है। जब भी आप कोलकाता जाएं तो यहाँ घूमने ज़रूर आएं। दोस्तों, आज हमने आपको कोलकाता का मार्बल पैलेस दिखाया, जिसे संगमरमर का महल भी कहा जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। हम आपके लिए इसी प्रकार के ऐतिहासिक विषयों पर आधारित वीडियोस लेकर आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, आपको दिखाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को। जय हिंद, जय भारत।